हेलो एवरीवन, मैं पूर्वा तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरे पास में एसबीआई क्लर्क मेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ रहे थे। कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि क्या एसबीआई क्लर्क मेंस में सेक्शन कट ऑफ होता है, और दूसरा कि क्या यहाँ पे एसबीआई पहले से ही मेंस के लिए कुछ मिनिमम क्राइटेरिया सेट करके रखता है कि आपको इतना क्वालिफाई करना है तो आपका मेंस क्लियर हो जाएगा। तो बस यही दोनों क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो देखो, सबसे पहले अगर सेक्शन कट ऑफ की बात करें तो एसबीआई में कभी भी सेक्शन कट ऑफ नहीं होता है, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। आपको केवल ओवरऑल जो कट ऑफ है वो क्लियर करना होता है, तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है। दूसरी चीज, कुछ बच्चे बोल रहे थे कि हमने पढ़ा है कि 30% मिनिमम क्राइटेरिया होना चाहिए। मिनिमम क्राइटेरिया मतलब मिनिमम मार्क्स 30% होना चाहिए तो आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है। तो देखो, 200 मार्क्स का पेपर है, 30% ले मतलब 60 मार्क्स हो गए। अब 60 मार्क्स तो कितने सारे बच्चे स्कोर कर लेते हैं, तो क्या सबका यहाँ पे एसबीआई क्लर्क मेंस क्लियर हो जाता है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एसबीआई का जब नोटिफिकेशन आया था तब वहां पे लिखा हुआ था कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाना मैंडेटरी है, पर वहां पे आगे ये भी लिखा हुआ था कि जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो एसबीआई सेट करेगा जो भी पेपर का लेवल है, स्टेट में वैकेंसी है उसके अकॉर्डिंग। मतलब यहाँ पे पहले से कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं होता है। सपोज जनरल का कट ऑफ अगर 70 गया हुआ है तो मिनिमम आपको 70 मार्क्स लेकर आने पड़ेंगे। अगर आप 70 भी लाए हो तो आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, अगर आप 70 के अबाव लाए हो तब तो क्लियर है ही, ठीक है? तो यहाँ पे कोई मिनिमम क्राइटेरिया फिक्स नहीं होता है। तो बस यही था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।